रिलेशंस चैप्टर 1.1 एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगंस एज आर इज इक्वल टू p1 p2 सच दैट p1 एंड p2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स ईच एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5? यहाँ तक आपके क्वेश्चन को पहले पार्ट में ले लेते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट के रूप में लेते हैं और इस what is the set of all elements से हम लोग इसको सेकेंड पार्ट कर लेंगे लोग। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस फर्स्ट पार्ट में। पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हम लोग को रिलेशन को इक्विवेलेंस दिखाना है। तो इसमें हम हमारे पास है क्या, गिवन दैट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉलीगंस एंड आर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, एंड आर इज इक्वल टू p1 p2 सच दैट P1 and P2 have same number of sides. रिलेशन कह रहा है कि किसी पॉलीगन P1 का रिलेशन P2 से तब होगा जब दोनों के साइड्स की संख्या सेम हो। मुझे इक्विवेलेंस दिखाना है। आपको पता है ना कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तब होता है जब वो तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम लोग पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव सिंस फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू ए से बिलोंग करने वाले किसी भी पॉलीगन की हम बात कर रहे हैं, पी belongs to R, PP से related होगा, because each and every polygons have same number of sides to itself. कोई भी polygon जो है उसमें sides की संख्या स्वयं के बराबर होता है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि P belongs to A, comma PP belongs to R, कारण बता देते हैं, because P and P have same number of sides. So R हो जाएगा reflexive. So R is reflexive. अब हम लोग बात करेंगे symmetric की। Symmetric क्या कहता है कि अगर एक polygon का relation किसी दूसरे polygon से है तो दूसरे पॉलीगन का भी रिलेशन पहले पॉलीगन से होना चाहिए। इफ फर्स्ट पॉलीगन इज रिलेटेड टू सेकेंड पॉलीगन देन सेकेंड शुड बी रिलेटेड टू फर्स्ट। इसका मतलब यहां पे पहले इसको हम सिंबोलिकली लिखते हैं, लेट P1 P2 बिलोंग्स टू ए। सिंबोलिकली इस बात को लिखते हैं कि अगर P1 P2 से रिलेटेड है, इसका मतलब अगर P1 P2 belongs to R, तो हमको यह दिखा देना होता है कि P2 P1 is also belongs to R. अगर P1 P2 से related है, तो हमको दिखाना है कि P2 P1 से related है। तो हम क्या लिखेंगे, let P1, P2 belongs to A, यहां पे if P1 P2 belongs to R, इसका मतलब हुआ कि P1 P2 से related है, और अगर P1 P2 से रिलेटेड है तो इसका मतलब होगा P1 and P2 have same number of sides. अच्छा, आपको पता है कि अगर P1 and P2 have same number of sides, then P2 and P1 have same number of sides. दोनों स्टेटमेंट सेम है। अगर P1 और P2 के साइड्स की संख्या सेम है तो क्या P2 तथा P1 के साइड्स की संख्या सेम नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। इस बात को लिखेंगे P2
and P1 have same number of sides, have same number of sides. Achha, if P2 and P1 have same number of sides, it means P2 is related to P1. So kya ho jayega, P2 P1 belongs to R, for all P1 P2 belongs to A. इसका मतलब क्या हुआ कि R जो है वो symmetric है, so R is symmetric. अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसके transitivity की, transitivity. तो लिख देते हैं transitive. Transitive में क्या होता है कि अगर कोई तीन elements हैं और तीन elements अगर P1, P2, P3 मैंने बोल दिया, तीन एलिमेंट्स मतलब तीन, कोई तीन पॉलीगन मैंने कर दिया, अगर कोई तीन पॉलीगन है, अगर पहला दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, तो जिस रिलेशन के अंडर में P1, P2 से रिलेटेड है तथा P2, P3 से रिलेटेड है, अंडर सेम रिलेशन P1 को रिलेटेड होना चाहिए P3 से. सिंबोलिकली इस बात को पहले समझाते हैं कि इफ P1, P2 बिलोंग्स टू R एंड P2, P3 belongs to R, तो हमको यह दिखा देना है कि P1, P3 belongs to R. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई तीन arbitrary polygon लेंगे लोग, कोई तीन arbitrary polygon set A से, let P1, P2, P3 belongs to A. If P1, P2 belongs to A, sorry, R, and P2, P3 belongs to R. मैंने बोला कि P1, P2 से related है, and P2, P3 से related है. If P1, P2 belongs to R, and P2, P3 belongs to R, then imply P1 and P2 have same number of sides, same number of sides. यहाँ पे and P2, P3, P2 and P3 have same number of sides. If P1, P2 have same number of sides and P2 and P3 have same number of sides, it means P1 and P3 have same number of sides. यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे P1, then imply P1 and P3 have same number of sides. इसका मतलब कि P1 related हो गया P3 से, belongs to A, for all P1, P2, P3 belongs to A. So R is transitive. अब एक बात देखिए, reflexive भी है, symmetric भी है, और यह relation transitive भी है. इसका मतलब यह रिलेशन इक्विवेलेंस है. तो हम यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे कि हैंस, यहाँ पर सिंस आर इज रेफ्लेक्सिव, आर इज रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हैंस आर इज इक्विवेलेंस, R is equivalence, R is equivalence. क्लियर हो गया? चलिए आप लोग इसको नोट करें, उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5. एक्चुअली जो यहाँ पे टी दिया हुआ है उसके साइड्स 3, 4 एंड 5 जो दिए हुए हैं, यहाँ पे राइट एंगल कहा जा रहा है, तो इस राइट एंगल को अगर हम यहाँ से इग्नोर भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मतलब हमको पॉलीगन से
वो पॉलीगन में कितने साइड्स हैं हमको इससे मतलब है, वो राइट एंगल है कि एक्यूट एंगल है, या सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया। तो हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे कि जो यहाँ टी दिया हुआ है वो एक ट्रायंगल है। एक्चुअली टी इज अ, अगर दिया हुआ है तो हम लिख देते हैं इस बात को, जिक्र कर लेते हैं, टी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4 and 5। अब बताएंगे यहां पे, सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टी कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 3, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें साइड्स कितने होंगे, 3। तो किसी ट्रायंगल से रिलेटेड कौन से पॉलीगन होंगे, यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक पॉलीगन दूसरे पॉलीगन से रिलेटेड तब होगा जब दोनों में साइड्स की संख्या सेम हो। तो ट्रायंगल में तो 3 साइड्स होते हैं, तो एक ट्रायंगल जो है किसी दूसरे पॉलीगन से कब रिलेटेड होगा, जब दूसरे पॉलीगन में भी 3 साइड्स हो। तो 3 साइड्स होते कितने हैं ट्रायंगल में, तो ये जो टी है वो किससे रिलेटेड होगा, जितने भी ट्रायंगल होंगे सेट ए में, पॉलीगन जितने भी होंगे जिसके 3 साइड्स होंगे उनसे रिलेटेड होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग, Hence, टी इज रिलेटेड, या ऐसे लिख देते हैं, ऑल द पॉलीगन्स हैव थ्री साइड्स, ऑल द पॉलीगन्स हैव थ्री साइड्स, यहाँ पे 3 साइड्स, In A, will be R related to T. All the polygons have 3 sides in A will be R related to T. इस सेट A में जितने भी 3 sides वाले polygon हैं, वो सब T से related होंगे। It means यहाँ पे क्या हो जाएगा? Hence, required set of elements in A which are related to T is equal to set of all triangles। और इस तरह से हम लोगों ने QED किया, समझ में आया, चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन 14, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन A डिफाइंड एज R इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ। इसमें पहले समझते हैं, तो क्या कह रहा है कि जो सेट L है वो सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन में जितने भी लाइंस हैं उनका ये सेट है, और R दिया हुआ है L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब कोई दो लाइन एक दूसरे से रिलेटेड तब होगा जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो हमको यहाँ पे दिखाना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पिछले सारे क्वेश्चंस में जैसे हम लोग बात करते आ रहे हैं, सिमिलरली यहाँ भी बात करनी है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको दिखाना होगा कि रिलेशन रेफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो बारी बारी से सबकी बात करते हैं। तो रेफ्लेक्सिव पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है हमारे पास। गिवन दैट एल कितना है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन, ओके, एंड R इज इक्वल टू, यहां पे हम लिखते हैं लोग L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, सिंबोलिकली कर दिया, कोई दिक्कत, क्वेश्चन कह रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L2, इसी बात को मैंने यहां पे सिंबोलिकली कर दिया, L1 इज पैरेलल टू L2। अब हम लोग बात यहां पे करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव आपको पता है ना कि हर लाइन खुद के पैरेलल होता है, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। तो इस बात को लिखते हैं लोग हम यहाँ पे, कि सिंस यहाँ पे एवरी लाइन इन XY प्लेन इज पैरेलल टू इटसेल्फ,
इसका मतलब हुआ कि अंडर गिवन रिलेशन इस सेट एल का हर लाइन खुद से रिलेटेड है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज इसको सिंबोलिकली भी ले लेते हैं, सो यहाँ पे डैट इज फॉर ऑल एल, एल वन बिलोंग्स टू एल, एल वन बिलोंग्स टू आर, बिकॉज बिकॉज एल वन इज पैरल टू दी एल वन, हेंस क्या सॉरी सो क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की कोई दो आर्बिट्री एलिमेंट हमने ले लिया एल वन एल टू बिलोंग्स टू एल, अगर कोई दो एलिमेंट एल वन एल टू बिलोंग्स टू एल ले लिया मैंने, तो मुझे दिखाना है कि अगर एल वन एल टू से रिलेटेड है तो एल टू एल वन से रिलेटेड है, देखिए एल वन एल टू बिलोंग्स टू आर देन इंप्लाई एल वन इज पैरल टू एल टू, अगर एल वन एल टू से रिलेटेड है इसका मतलब एल वन पैरल है एल टू के, अच्छा अगर एल वन पैरल है एल टू के तो एल टू भी तो पैरल है एल वन के, अगर एल वन इज पैरल टू एल टू देन एल टू इज ऑल्सो पैरल टू एल वन, इफ एल टू इज पैरल टू एल वन इट मीन्स एल टू इज रिलेटेड टू एल वन, डेट इज एल टू एल वन बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एल वन एल टू बिलोंग्स टू एल, सो आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, सो आर इज सिमेट्रिक। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव 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 के लिए कोई तीन आर्बिट्री एलिमेंट हम लेते हैं एल वन एल टू एल थ्री बिलोंग्स टू एल, सेट एल से मैंने कोई तीन आर्बिट्री लाइंस ले लिया, अब मुझे दिखाना है एल वन एल टू बिलोंग्स टू आर एंड एल टू एल थ्री बिलोंग्स टू आर, मैंने लिख दिया कि एल वन एल टू से रिलेटेड है तथा एल टू एल थ्री से रिलेटेड है, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, मुझे यहाँ पे दिखा देना है कि इफ एल वन इज रिलेटेड टू एल टू एंड एल टू इज रिलेटेड टू एल थ्री देन एल वन इज रिलेटेड टू एल थ्री, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, एल वन एल टू से रिलेटेड है इसका मतलब एल वन इज पैरल टू एल टू एंड एल टू इज पैरल टू एल थ्री, इफ एल वन इज पैरल टू एल टू एंड एल टू इज पैरल टू एल थ्री इट मीन्स एल वन इज पैरल टू एल थ्री देन इम्प्लाई एल वन एल थ्री belongs to R for all L1, L2, L3 belongs to L. So R is transitive. So R is transitive. अब यहाँ पे देखना है कि R तो reflexive भी है, R symmetric भी है और R transitive भी है, तो क्या ये equivalence है कि नहीं है? Definitely है, तो हमको यहाँ पे लिख देना है कि since R is रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हैंस हैंस आर इज इक्विवेलेंस, हैंस आर इज इक्विवेलेंस, समझ में आया ये। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और आर इक्विवेलेंस हो गया, तो हम लोगों ने क्वेश्चन के पहले पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर, तो ये एक लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, कह रहा है कि इससे रिलेटेड जितने भी लाइन्स हैं उनका सेट बताइए, तो आपको पता है ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई लाइन के पैरल इनफाइनाइट लाइंस होते हैं, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है हमारे पास तो इसके पैरल हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरी बात अगर हमारे पास y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर कोई लाइन है तो इसके पैरल लाइन का इक्वेशन का जनरल इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे y के कोफिशियंट को सेम रखते हैं, x के कोफिशियंट को सेम रखते हैं और जो ये कॉन्स्टेंट है उसको चेंज कर देते हैं, चूंकि जनरल इक्वेशन मुझे बात करनी है एक पर्टिकुलर इक्वेशन की बात नहीं करनी है, तो हम वहाँ पे जनरल इक्वेशन को लिखने के लिए कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेंगे और यहाँ पे फोर को कुछ भी के सी कुछ सपोज कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन फीचर
विच आर रिलेटेड टू द लाइन, रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इच। y इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि इसके पैरल जितने भी, अगर इसके पैरल एक लाइन की बात करनी होती तो पर्टिकुलर केस की बात हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो जनरल केस की बात कर रहा है, सेट की बात कर रहा है। तो सेट के केस में हम लोग क्या करेंगे, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट लेंगे। लेकिन याद रहे x के कोफिशियंट और y के कोफिशियंट में बिना किसी परिवर्तन को लिखेंगे। तो यहाँ पर y का कोफिशियंट 1 है तो जो कहते हैं इक्वल इक्वल, 2 कोफिशियंट है x का, कोई चेंजिंग नहीं 2x, और यहाँ पे आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट ले लेंगे कोई, जैसे मैंने c ले लिया, वेयर c इज, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, एंड आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन 15, लेट r बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय r इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 4 r इज एन इक्विवेलेंस रेशियो 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 चूज द करेक्ट आंसर। यहां पे बताना है कि जो सेट 1 2 3 4 है उसमें जो रिलेशन डिफाइन किया गया है यहाँ पे इस रूप में, उसके लिए हमको ये करेक्ट आंसर बताना है कि R is reflexive and symmetric but not transitive, R is reflexive and transitive but not symmetric, R is symmetric and transitive but not reflexive, R is an equivalence relation। देखिए गौश, इस पे सिर्फ हम लोग डिस्कशन करेंगे कोई सॉल्यूशन में। आप देखिए यहाँ पे कि जो सेट है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सब A से बिलोंग करता है। तो अगर 1 2 3 4 A से बिलोंग करता है तो हमको देखना होगा यहाँ पर कि 1 1 R से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, करता है। 2 2 R से बिलोंग करता है कि नहीं करता है, देखिए करता है। 1 1 भी R में मौजूद है, 2 2 भी R में मौजूद है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। तो इफ 1 2 3 4 बिलोंग्स टू A देन 1 1 2 2 3 3 4 4 बिलोंग्स टू R। तो अगर इसका हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव है। अब हमको देखना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आप देखिए ना, इस रिलेशन R में 1 2 अगर प्रेजेंट है तो क्या 2 1 भी प्रेजेंट है यहाँ पर, कहीं दिख रहा नहीं। इट मीन्स यहाँ पे कि 1 2 अगर R से बिलोंग करता है, यहाँ पे 1 2 R से बिलोंग करता है लेकिन 2 1 R से बिलोंग नहीं करता है। 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, डज नॉट बिलोंग्स टू R। सो यहाँ पे R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, R इज नट सिमेट्रिक, R यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है। तीसरी बात करेंगे लोग ट्रांजिटिविटी की। देखिए यहाँ पर अगर 1 का रिलेशन 3 से है एंड 3 इज रिलेटेड टू 2, यहाँ पे 1 3 से रिलेटेड है, 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 2 3 2 बिलोंग्स टू R। तो हमको देखना है कि क्या 1 2 से रिलेटेड है कि नहीं है, डेफिनेटली है, 1 2 मौजूद है यहाँ पर, देन इंप्लाई 1 2 belongs to R। एक बार और देख लेते हैं, एक तरह से और देख लेते हैं कि 3 2 यहाँ पे अगर 3 2 है और वो R से बिलोंग करता है तो देखते हैं कि 2 किससे रिलेटेड है, 2 2 2 2 2 2 किससे रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है। तो अगर 3 2 से रिलेटेड है यहाँ पर, 3 2 से रिलेटेड है और 2 2 से रिलेटेड है तो 3 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, बिल्कुल है। तो इसका मतलब यहाँ पर ट्रांजिटिविटी कहीं फेल होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि ये जो 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 2 बिलोंग्स टू R, देन 1 2 बिलोंग्स टू R और इस तरह से बाकी किसी जगह पर हमको रेफरेंसिव ट्रांजिटिविटी फेल होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि हमारा R जो है वो ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो हमको चूज करना है यहाँ पे क्या सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक नहीं है, R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड, हमारा सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नोट कर लिया जाए। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है यहाँ पर, गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच डेट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू वेयर बी इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी, ए रिलेटेड होगा बी से कब, इफ ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, और एक दिया हुआ है कंडीशन बी के साथ कि बी का वैल्यू 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मुझे करेक्ट आंसर चूज करना है, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है।
आप देखिए पहले तो बोल रहा है कि बी जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो मुझे जितने भी ऑप्शन है उसमें देखिए कि यहाँ पे किस ऑप्शन में सेकंड कंपोनेंट हमारा 6 से बड़ा है, तो इसमें तो 6 से बड़ा है नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 8 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो एक पॉसिबिलिटी इसकी है, यहाँ पर भी 8 जो है वो क्या है 6 से बड़ा है, एक पॉसिबिलिटी इसकी भी है, और यहाँ पर भी जो सेकंड कंपोनेंट है ग्रेटर देन 6 है तो पॉसिबिलिटी इसके साथ भी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि बी से 2 लेस है ए, कंडीशन क्लियर, बी का वैल्यू 6 से बड़ा लेना है लेकिन ए जो है वो लेस 2 लेस है यहाँ पे बी से, तो यहाँ पर अगर ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 8 ले लेते हैं तो बी का वैल्यू कितना होना चाहिए, सॉरी अगर बी का वैल्यू हम 8 ले लेते हैं यहाँ पर, इफ बी इज इक्वल टू 8 तो ए का वैल्यू कितना होना चाहिए 8 - 2 = 6 होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 3, जबकि ए का वैल्यू होना कितना चाहिए 6, तो ये भी फेल हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है मुझे कि अगर बी का वैल्यू हम 8 लेते हैं तो ए का वैल्यू कितना 6, इसका मतलब कि अगर ए का वैल्यू 6 जो है 6 लेते हैं तो वो बी के किस वैल्यू से रिलेटेड होगा 8 से, तो यहाँ पर 6 8 जो होगा वो आर से बिलोंग करेगा, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नोट कर लिया जाए।